समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर ये दो लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती है, माँ बूढ़ी हो चली तो भारी लगती है, चुनाव आते ही गौ माता प्यारी लगती है। लेकिन उसी गौ माता की सौदेबाजी करते हुए कई ऐसे रसूखदार लोग हैं जिन्होंने बंगले पीट लिए हैं। और ऐसा ही एक ऑडियो बीते रविवार से वायरल हो रहा है। ऑडियो की सत्यता की पुष्टि बंग आवाज नहीं करता है, लेकिन इस ऑडियो में जिस तरह की बातें की गई है उससे गौ तस्करी से जुड़े कई सवाल खड़े होते हैं। बताया जा रहा है कि कुल्टी विधानसभा ब्लॉक 1 के अध्यक्ष और ब्लॉक 3 के अध्यक्ष कंसन सिन्हा के बीच हुई इस बातचीत का ऑडियो वायरल किया गया। आइए सुनते हैं पहले इस वायरल ऑडियो को, जिसमें कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार के बेटे सह जिला भाजपा महासचिव केशव पोद्दार की संलिप्तता पर चर्चा की गई है। हम आपको एक बार फिर बता दें कि बंग आवाज इस वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। राजू चौरसिया इधर सब गाय का काम करता है, पूरा सारा पैसा केसर लेता है, इसे सब बोलते हैं। तो ये प्रचार कीजिए साला, को अपने जाएगा जहन्नुम में। इसमें डॉक्टर पोद्दार भी मिलल है? पैसा जब केशव पोद्दार लेता है तो डॉक्टर पोद्दार मिलल नहीं है, है? सब पैसा तो वही उठाता है, केशव उठाता है। डॉक्टर पोद्दार मिलल नहीं है तो रजुआ को कंधा पर हाथ रख के फोटो खिंचवाता है सही। 40,000 रोज मिलता है गाय का पैसा इनको। सब पर होना चाहिए। सुना आपने, इस वायरल ऑडियो में बातचीत के दौरान ये भी बात कही जा रही है कि गौ तस्करों से प्रतिदिन 40,000 रुपए केशव पोद्दार के पास आया करते थे। हालांकि जब पत्रकार मंडल 3 के अध्यक्ष कंचन सिन्हा के पास गए तो उन्होंने कहा कि मंडल 1 के अध्यक्ष 2-3 बार इस मामले को लेकर फोन कर चुके थे। इस बार उन्होंने रिकॉर्डिंग कर इसकी शिकायत जिला अधिकारियों तक पहुंचाई थी, जिसके बाद ही ये ऑडियो वायरल हो गया। দেখো আমার কাছে একটা ফোন এসেছিল বিভাসিনীর, তিনি কথা বলতে বলতে বললো কি ব্লাকরে ব্যাপকভাবে গো তস্করি হচ্ছে, যেরকম অডিওতে আপনি শুনলেন। সেইটা আমাকে অনেক 3-4 বার বলেছে, তো আমি একবার রেকর্ডিং করে নেব। কেন কি ইনি বললো কি আমি একা কিছু করতে পারছি না, তোমরা যদি সব মিলে যাও। এবারে বড় করে ইনি নিজে চোখে দেখেছে, তো আমি বললো ঠিক আছে আমি রেকর্ডিং করে আমি সুষ্ঠুভাবে যেরকম আমাদের পার্টির মানে কন্ডিশন আছে আমি জেলা অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছি, জেলাতে পাঠিয়ে দিয়েছি কি এইটা যাঁচ করো এর মধ্যে কত শক্তি। জেলাতে পাঠানোর পর আমাকে আজকে খবর পেয়েছি যে ভিডিওটা আপনাদের কাছে চলে এসেছে। দেখুন এটা ইনকোয়ারি দরকার, কেন কি আমি নিজে প্রভারীটাকেও মিথ্যা বলতে পারবো না। যদি জোর করে বলছে कि किछु ना किछु हुच्छे तो प्रशासन तदंत करो। वही जब मंडल 1 के अध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने विधायक और उसके बेटे की सम्मिलितता से साफ इनकार किया। देखिए हम जिसको आँख से देखे हैं उसी का बात करते हैं। उसमें MLA का लड़का जिसको टिकट दिया है, जो वार्ड में लड़ा है, वो उसका फादर को हम गाड़ी में गौ तस्करी का गाड़ी था, गाड़ी में माल लोड था, लेके जा रहा था। इसका जानकारी हम कल 10-11 बजे विधायक कुल्टी डॉक्टर अजय पोद्दार को दिए कि ऐसा ऐसा घटना घट रहा है, हमारे पार्टी का आदमी ऐसा काम कर रहा है, तो आप इसको रोके अन्यथा हम जाके गाड़ी को रोकेंगे, मारपीट करेंगे, दंगा फसाद करेंगे, जो करना होगा करेंगे। कौन कर रहा था? इटो वो 68 नंबर में खड़ा हुआ था, उसका गार्जियन है, परिवार है, वही लोग ले जाता है गाड़ी, 7-8 गाड़ी करके ले जाता है गाय। 68 नंबर वार्ड का जो कैंडिडेट था, क्या नाम है उसका? उसका नाम राजू है, राजू। अच्छा, वही करता है। अजय पोता जानता है? तो हम बोले तो बोला हमको जानकारी नहीं है। अब हम तो जानकारी कल दे दिए हैं। अच्छा, इसके बाद तो वो जानते हैं। फिलहाल इस मामले में भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार और उनके बेटे की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक शहर आसनसोल समेत राज्य के अन्य हिस्सों में भीषण गर्मी और लू से बेहाल लोगों के लिए मौसम विभाग ने मंगलवार को राहत भरी खबर दी है। विभाग की ओर से बताया गया है कि इस सप्ताह के अंत में यानी शनिवार या रविवार को कोलकाता आसनसोल समेत राज्य के अन्य हिस्सों में बारिश हो सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग की ओर से मंगलवार को जारी बयान में यह भी बताया गया कि आसनसोल सहित अन्य शहरों में अधिकतम तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान
29.3 डिग्री सेल्सियस के करीब है। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग के लगभग सभी जिलों में गर्म हवाओं के साथ लू चल रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक दिन पहले ही राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और अन्य शिक्षण संस्थानों को बंद करने के निर्देश जारी किए। उसी के मुताबिक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। फर्स्ट टाइम इन आसनसोल फुल्ली डिजिटली कोचिंग सेंटर जी आर स्कूल स्मार्ट एजुकेशन स्मार्ट बच्चों की स्मार्ट पसंद जी आर स्कूल जहां क्लास 1 से क्लास 12 तक के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा उच्च तकनीक के माध्यम से सटीक ज्ञान प्रदान कराया जाता है। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अकाउंट बिजनेस स्टडी हिंदी इंग्लिश सहित हर विषय की क्लास करें। साथ ही जेईई मेंस जेईई एडवांस WBJEE जेक्सपो के क्लासेस भी कराए जाते हैं। हमारे यहाँ कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 7 days क्लास मंथली ग्रांड टेस्ट लिया जाता है। उच्च क्वालिटी की लाइब्रेरी की सुविधा के अलावा सोशल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। तो अपने बच्चों के भविष्य संवारने के लिए आज ही नामांकन कराए। नया बैच जल्द शुरू हो रहा है। जी आर स्कूल ADDA KSTP अपोजिट शुभम पार्क आसनसोल 2। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं उतने महंगे नहीं रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा डिजाइन तो बहुत एटेक्टिव है लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है प्योर सगवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन वो भी तुम्हारे बजट में साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद जीटी रोड शनि मंदिर के सामने नूरुद्दीन रोड आसनसोल। मुकुल रॉय अपने बेटे को बिना कुछ बताए घर से गायब हो गए थे। बेटे शुभ्रांशु रॉय का बयान भी सामने आया। उन्होंने अपने पिता की गुमशुदगी की शिकायत भी कोलकाता के थाने में दर्ज करवाई थी। और इसी बीच दिल्ली एयरपोर्ट का एक वायरल वीडियो सामने आता है जिसमें मुकुल रॉय को देखा जाता है। इस वीडियो में मुकुल रॉय एक पत्रकार से बातचीत करते हुए नजर आते हैं। मुकुल रॉय उस पत्रकार को बताते हैं कि मैं कई वर्षों से संसद सदस्य रहा हूं, क्या मैं दिल्ली नहीं आ सकता? पहले भी नियमित तौर पर दिल्ली आया करता था, इस बार थोड़ी देर हो गई। बहरहाल रॉय ने अपने दिल्ली जाने की असल वजह नहीं बताई। हालांकि बंगावाज इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। वीडियो के वायरल होने के बाद पश्चिम बंगाल के एक राजनीतिक वर्ग में उनके अगले कदम को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी हैं। मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, लेकिन पार्टी नेतृत्व से मतभेद होने के बाद 2017 में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। रॉय ने भाजपा के टिकट पर 2021 का विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन नतीजों के घोषणा के एक महीने बाद ही वे TMC में लौट गए। अब जब राजनीति में इतने वरिष्ठ राजनेता भी गुलाटी मारने से नहीं चूकते तो आजकल के छुटभैया नेता आखिर इसी नक्शे कदम पर चलेंगे ना? खैर TMC में लौटने के बाद से ही वे जनता की नजरों से दूर रहे। उन्होंने अपनी खराब सेहत का हवाला देते हुए पिछले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था, लेकिन उनके इस वायरल वीडियो को देख कर राजनीतिक गलियारों में लगातार उनके BJP में लौटने के कयास तेज होते जा रहे हैं। मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु रॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये दावा किया कि मुकुल रॉय मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उन्हें पार्किंसन और डिमेंशिया की बीमारी है, उन्हें दिल्ली ले जाया गया और इसके पीछे पैसों का खेल हो सकता है या राजनीति खेल हो सकता है। शुभ्रांशु रॉय ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल गंदी राजनीति कर अभिषेक बैनर्जी को बदनाम करना चाहते हैं। उनके पिता के पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन कल एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये दे दिए। उन्होंने कैसे टिकट काटा ये भी समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि बीमार व्यक्ति को लेकर राजनीति करना ठीक नहीं है। पहले के मुकुल रॉय और अभी के मुकुल रॉय में अंतर है। मुकुल रॉय शारीरिक कंडीशन भलो ना। मुकुल रॉय हमें बोलते पारी ना हमार बाबा उन्माद पागल, किंतु तार मेंटल जो कंडीशन तार थेके कोनो अंशे कम ना। आपनी यदि आज के मुकुल रॉय के जिज्ञेस करें आज के डेट कत से बोलते पारबे ना। आज के यदि अपनी मुकुल रॉय के जिज्ञेस करें तार नाती नातनिर भलो नाम कि से बोलते पारबे ना। आज के बर्तमान राजनैतिक परिस्थिति की आपनी जिज्ञेस कर ले उन्नी बोलें अमेरिकार साथे भारतवर्षर एक गंडगोल चलछे, यही हे तार मेंटल कंडिशन। हमार काछे तार सीटी स्कैन रिपोर्ट एक सप्ताह आगे और जो सार्जारि ब्रेन होयेछिलो स्पाइन एंड ब्रेन सार्जारि तार रिपोर्ट रयेछे। तार पार्किंसन रयेछे, डिमेंशिया रयेछे, सिरोसिस अफ लिवर रयेछे, हाई सुगार रयेछे, प्रेशार रयेछे। आमी आपनादेर काछे एटा दिये देबो।
রাজু মণ্ডল হচ্ছে ড্রাইভার আর ভোগীরথ মাহাতো বাবার সাথে থাকতো, বাবাকে দেখাশোনা করতো। এবং এখানে একটা বড় টাকার খেলা হয়েছে আমি বলতে পারি, নিশ্চয়ই কোনো রাজনৈতিক দল। আমি বললাম না কালকে একটা বড় এজেন্সি থেকে একদিন নয় বেঙ্গলি ছেলেকে বলা হয়েছে যে মুকুলবাবুরা তো 50,000 টাকা দিয়ে আসার জন্য, আমার নিশ্চয়ই কোনো টাকার খেলা হয়েছে। এই মিসিং দুজন আমাকে না জানিয়ে বাবাকে নিয়ে চলে গেছে, কোথায় গেছে কি গেছে আমি কিছুই জানি না। इसी बीच भाजपा नेता अनुपम हाजरा ने एक फेसबुक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने बंगला भाषा में प्रत्यार्पण लिखा। इस बारे में पूछे जाने पर अनुपम हाजरा ने कहा कि समय का इंतजार करें, समय के साथ सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अभिषेक बैनर्जी को इतना महत्व देने जैसी खराब स्थिति में भाजपा नहीं आई है। तृणमूल कांग्रेस एक क्षेत्रीय दल है और भाजपा की स्थिति अभी ऐसी रही हुई है कि उन्हें इतना महत्व दिया जाए। 5 अप्रैल से 18 अप्रैल तक स्टाइल मैडनेस में चल रहा है स्किन और हेयर रिलेटेड सभी सर्विसेज पर 30% डिस्काउंट। स्टाइल मैडनेस प्रोफेशनल लेडीज ब्यूटी पार्लर सिमुटाला राधिका अपार्टमेंट मयूरजना कॉलोनी आसनसोल। जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9832-8827-88 पर। बंधुरा सामने ही रही है खुशी ईद और सेजे उठे आदि मोहिनी मोहन कांजीलाल आसनसोल शोरूम 116 জিটি রোড অপোজিট অফ ভেটেরান পেট্রোল পাম্প। আদি মোহিনী মোহন কান্দিলাল যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি খুশির ঈদের জন্য রয়েছে শিফন গাউন ক্রপ টপের রকমারি, সঙ্গে চলেছে বৈশাখী অফার 5-50% ডিসকাউন্ট ডিফারেন্ট প্রোডাক্টসে। তার পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। তাই আরও একবার বলি, তোমাদের সুবিধের জন্য একই ছাতের তলায় পেয়ে যাবে তোমরা মনের মতো কালেকশন। লিফটের সুবিধাও রয়েছে এখন, তাই তোমাদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ।